हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे बहुत। तो अभी मंदिर से आई। पहले तो सुबह मैंने अपनी जो बेडशीट का जो सारा काम था वो पूरा किया। साड़ी का जो बेडशीट बनाया था, आपने वीडियो पिछली देखी होंगी, वो काम पूरा हुआ। और आज मैंने सुबह उसमें प्रेस व्रेस की सब में। उसके बाद हम मंदिर गए, बेटे का व्रत था तो आज मंगलवार है, तो बहू पियर गई हुई है तो हम लोग मंदिर जाके आए। ठीक थी थोड़ी मेरी तबीयत, तो मंदिर जाके आए। अब देखिए कप पड़े, चिप्स वगैरह उसको तल के दिए, बेटे को आलू के चिप्स और चाय। और अब वो गया है क्लिनिक, अब मैं लगूंगी काम में। तो आज तो ये रूम मैं सेट करूंगी तो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज सारा ये पंखा वंखा सब साफ करना है। तो बस पहले साड़ी बदलूंगी और उसके बाद लगूंगी काम में। तो अब मैं लगती हूँ काम में और उसके बाद जब सेट हो जाएगा रूम तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने साड़ी बदल ली है और थोड़ा सा झाड़ दिया है कमरा, आपसे शेयर नहीं किया क्योंकि मैं साथ साथ में खाना भी बना रही थी। तो मैंने सामक बनाए हैं बेटे के लिए और हमारे लिए खिचड़ी बनाई है। तो तेल की जो बर्नी होती है वो बहुत गंदी हो जाती है, तो उसको एक बार तो धो चुकी हूँ लेकिन फिर धो रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत गंदी लग रही है। उसमें तेल भी नहीं भर पा रही उसमें मैं, तो तेल की बर्नी को धो रही हूँ नींबू और मीठे सोडे से, उसकी जो चिकनाहट है उससे साफ हो जाएगी। अगर किसी भी चिकनी चीज को धोना हो ना तो उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा और नींबू, ये दोनों चीज़ मिलाकर और फिर धो लें तो उसकी काफ़ी हद तक चिकनाई हट जाती है। तो ये वैसे तेल की जो बर्निंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है और इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ब्रश जो होते हैं ना पुराने अपने टूथब्रश, उससे साफ़ कर रही हूँ और ये काफ़ी हद तक साफ़ भी हो गई। उसके बाद मैंने किए जो ब्रश रखते हैं उसके स्टैंड को साफ़ किया और जो हम कंघे यूज़ करते हैं रोज बालों के लिए उनको भी साफ़ कर दिया। तो हम लोग तो दिवाली में सारी ही चीज़ें साफ़ करते हैं, एक एक चीज़ साफ़ होनी चाहिए। इस बार मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे बहुत से काम रह गए हैं, पर मैं फिर भी करती जा रही हूँ। अब मैं धो रही हूँ ये जो ब्रश और कॉलगेट वगैरह का स्टैंड, इसको धो रही हूँ। तो हम तो छोटी छोटी सारी चीज़ें जब तक साफ़ नहीं हो जाती है मुझे चैन नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मम्मी धोया करती थी हर एक चीज़। तो हमारी भी आदत है धोने की, ऐसे ही मेरी बेटियों की आदत भी है धोने की, हर चीज़ धोती हैं वो। मम्मी हमारी चाहे रात को 2 बज जाओ पर वो सारी चीज़ें धोती थी। कहती थी वो कि धनतेरस से ही लक्ष्मी आनी शुरू हो जाती है, त्यौहार शुरू हो जाते हैं। तो सारा जो भी हम लोग बनाते हैं दिवाली में, मिठाई नमकीन वगैरह, वो सब बन जानी चाहिए धनतेरस तक और सफाई सारी हो जानी चाहिए। तो इस बार तो मेरी बिल्कुल भी पूरा काम नहीं हो रहा है, अकेली हूँ इसलिए और तबीयत भी ख़राब है, तो सारा ही काम मेरा पड़ा है क्योंकि बहू चली गई, पियर उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। तो अब मैं तो अकेली हूँ, तो बहुत सा काम मेरा बाकी है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। टेंशन में भी हूँ कि पता नहीं दिवाली तक काम निपटेगा या नहीं, क्योंकि मेरी ज़्यादा काम करते करते तबीयत भी ख़राब जाती है और जो कमर और पीठ है वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगती है, तो एक बार मुझे लेटना पड़ता है। लेकिन आज तो मैं लगी हुई हूँ, छोटे छोटे सारे काम कर लूँगी। तो मैं ये कंघे वगैरह सारे ही आज ही धो दूंगी और उसके बाद और भी छोटे छोटे काम है वो मुझे पूरे करने हैं। इससे मैं साफ कर लेती हूँ, फटाफट साफ हो जाता।
ये जो ग्लॉसी पेपर हैं वो मैंने यहाँ पर बिछा दिए हैं और अब दूसरी वाली अलमारी में भी बिछा दूँगी। और आज मैं इतना ही काम करूँगी, काफ़ी काम हो चुका है मेरा और मैं थक गई हूँ बहुत, तो अब इसमें भी बिछा के और फिर अभी रात के बजे हैं 10:30 और मैंने रात को नींद नहीं आ रही थी तो ये काम कर लिया। कल की वीडियो में फिर बनाऊँगी दूसरी, तो आज की वीडियो में आप इतना ही देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।